प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अंदर बाहर किनार सब देख सब थोड़ो खूबी देख इस शोभा सांझ सोए देखिएगा जाको हक नजर मिले। श्री रंग महल के दक्षिण दिशा में कोष कोसल ताल 24 सांस मोहलाद की सीत में माणिक पहाड़ की अतिशय सुंदर शोभा। ये माणिक पहाड़ अंदर बाहर किनार पर हर जगह से अति से सुंदर शोभा लिए है, जिसे धाम दली अपनी मेहर की छाव तले लेती है। एकमात्र वे ही इस शोभा को देख सकते हैं। आप श्री राज्य की मेहर से माणिक पहाड़ की शोभा को देखने का प्रयास कर रहे हैं। परम हंस महाराज श्री जवाहर दास महाराज जी की बड़ी वृत्ति से ताल की पाल का भूमबर का ऊंचा जो चबूतरा है, उस चबूतरे से भूमबर नीचे जमीन से कमर भर ऊंची रोस 50 फूस की चौड़ी रोस चारों तरफ भूमि है। ताल की पाल का जो भूमबर ऊंचा चबूतरा है, इस चबूतरे से भूमबर नीचे चांदनी की जमीन से कमर भर ऊंची 50 कोस की रोस घेर कर आई है। ये लाल रंग में शोभा दिखा रखी है रोस की। ताल की पाल का भूमबर ऊंचा जो चबूतरा है, इस चबूतरे से भूमबर नीचे जमीन से कमर भर ऊंची 50 कोस की चौड़ी रोस चारों तरफ भूमि है। पाल के चबूतरे से 12,000 हाथों के मध्य भाग से भूमभर की सीढ़ियां उतरी है, सो इस 50 कोस की रोस पर उतरी है। पाल के चबूतरे से 12,000 हाथों के मध्य भाग से भूमभर की सीढ़ियां इन 50 कोस की रोस पर उतरी है। इस रोस पर दो हांस की संद में 33 कोस का लंबा चौड़ा कुंड आया है। बगीचों की जमीन से कमर भर ऊंचा कुंड है और इन्हीं 50 कोस की रोस पर जहां दो हांसों की संद मिल रही है, वहां पर इन रोस पर 33 कोस के लंबे चौड़े कुंड की शोभा हुई है। इस तरह से 12,000 हांसों में आंस की जहां पे दो संधे मिल रही हैं, वहां पर कुंडों की शोभा आई है। घेर कर इन रोस पर 12,000 कुंड आए हैं और ये कुंड बगीचों की जमीन से कमर भर ऊंचे हैं। बगीचों की जमीन से कमर भर ऊंची इस कुंड की तीन तरफ 33 कोस की रोस फिरी है। इस तरह से हांसों की संध में 12,000 कुंड आए हैं। 12,000 हांसों की संद में 12,000 कुंड आए हैं और इन कुंड को घेरकर 33 कोस की रोस फिरी है। इन्हीं कुंडों में भूमबर ऊपर से चादरों द्वारा पानी पड़ता है। इन्हीं कुंडों में भूमबर ऊपर से चादरों के द्वारा पानी पड़ता है। पहली शोभा देख चुकी है कि इन ताल से पानी इन चबूतरे की पिठोर से चबूतरे के तले से होकर चबूतरे के बाहरी तरफ जो जाली द्वारा आया है, वहां से भूम पर ऊपर से पानी चादरों के द्वारा इन कुंडों में पड़ता है। इन शोभा को नजदीक से देखते हैं। हांस के मध्य भाग से 50 कोस की रोस पर उतरती सीढ़ियां, 12,000 हांस के मध्य भाग से 12,000 भूमबर की उतरती सीढ़ियां और दो हांस के मध्य जो संद आई है उसके सामने 33 कोस के लंबे चौड़े कुंड की शोभा। बगीचों की जमीन से कमर भर ऊंचा और इनको घेरकर 33 कोस की रोस आई है। आगे शोभा का वर्णन है। इस कुंड के आगे 33 कोस की चौड़ाई लेकर नहरें निकली हैं। इन कुंडों से 33 कोस की चौड़ाई लेकर
12,000 नहरें चांदनी पर निकली। 33 कोस की चौड़ाई इन नहरों की, जिसमें 11 कोस में नहर दाएं बाएं 11 11 कोस में पाल आई है। चांदनी सी जमीन से कमर भर ऊंची आई है। 11 कोस में नहर की शोभा है, 11 11 कोस में पाल की शोभा है। ये पाल जो बगीचों की जमीन है चांदनी के, उनसे कमर भर ऊंची आई है। पाल पर 11 कोस में फुलवाड़ी दाएं बाएं पाल आई है। 11 कोस की जो पाल आई है, उन पाल के 3 हिस्से होते हैं। ठीक मध्य भाग में फुलवाड़ी दाएं बाएं रोसे आई है। ठीक मध्य भाग में ये फुलवाड़ी का निशान और दाएं बाएं रोसों की शोभा। सो नहर कुंड में आती है, जहां 12,000 हवेली खत्म हुई वही ये कुंड आए। कुंडों से 12,000 नहरें निकली। ये नहरें जाकर गुर्जों के कुंडों में समा जाती हैं। इसी प्रकार से सब कुंडों से पानी निकलकर नहरों द्वारा होकर अगले कुंडों में पानी आता है। उस कुंड पर 4 थंब आए हैं, जिसमें हिंडोले आए हैं। इन कुंडों से नहरें सामने तरफ भी जाती हैं और दाएं बाएं तरफ भी जाती हैं। और थंबों से होकर इस कुंड में पानी भूम पर ऊपर उठकर नीचे जो कुंड आया है उसमें चादर द्वारा पानी पड़ता है। इन कुंड से नहर निकली, जो पहली हार कुंड आई यहां पर ये नहर पहुंची इस कुंड में। यहां पर चारों कोनों पे थंब है, उनमें मेहराबे मेहराबों में हिंडोले। इन कुंड से नहर आगे भी जा रही है और दाएं बाएं भी जा रही है। चारों कोनों के जो थंब है इनसे पानी भूम पर ऊपर उठता है कुंड का, और ऊपर से भूम पर ऊपर से चादरन के द्वारा ये पानी गिरता है। तो सुंदर शोभा, चारों मेहराबों में आए 4 हिंडोले, इनमें आप श्री राजी श्यामा जी और सखियां झूल रहे होते हैं, और ऊपर से पानी की चादरें गिरती हुई, सुंदर शोभा। इन पिक्चर्स के माध्यम से शोभा देखते हैं। कुंडों से नहरी चली, पहली हर कुंड में जब आई तो चारों कोनों पे थम, उनकी मेहराबों में हिंडोले, और यहां से नहर आगे भी जा रही है और दाएं बाएं भी जा रही है। इन थंबों से पानी ऊपर चढ़ता है और भूम पर ऊपर से चादरों के द्वारा पानी नीचे गिरता है। आगे शोभा है, चांदनी पर सामने जो नहर आई है सो अगले कुंड में पानी जाता है, और दाएं बाएं भी नहर हुई, सामने तरफ भी नहर चली, चारों थंबों द्वारा पानी ऊपर उठकर नीचे कुंडों में पड़ता है। इस तरह से इन कुंड से पानी आगे चलता है, इन कुंड में आता है, सामने भी चलता है, दाएं बाएं तरफ भी चलता है, और यहां पर भी चारों कोनों पर थंब उठे, उनकी मेहराबों में हिंडोले। थंबों से पानी भूम पर ऊपर उठकर चादरों द्वारा पुनः इस कुंड में पड़ता है। इस प्रकार चांदनी पर 14,40,00,000 कुंड आए हैं। इस तरह से माणिक पहाड़ की चांदनी पर 14,40,00,000 कुंड आए हैं। 12,000 कुंडों की 12,000 हारे आए हैं। हर कुंड के चारों तरफ नहर चलती है। किसी भी कुंड को देखें तो उसके चारों तरफ नहर की शोभा आई है। चांदनी पर सब नहरें 28,80,00,000 होती है। 12,000 की 12,000 जो कुंड आए हैं, इन कुंड के चारों तरफ नहरें चलती हैं। तो बेशुमार नहरें, इन नहरों की गिनती महाराज शिव जी बता रहे हैं 28,80,00,000 होती है। चांदनी की बाहरी किनार पर नहर की चौड़ाई बढ़ते बढ़ते 100 कोस की हो गई है। 33 कोस में जल दाएं बाएं 11 11 कोस की रोसों के मध्य 11 कोस की फुलवाड़ी आई है।
नहरों की चौड़ाई 12,000 कुंडों से जब नहरें निकली थी तो 33 कोस की चौड़ाई लेकर, जिनमें 11 कोस में नहर 11 11 कोस में पाल। ये चौड़ाई जैसे जैसे नहर बाहर जाती है बढ़ती जाती है और यहाँ किनार पर नहर की चौड़ाई हो जाती है 100 कोस, 33 कोस में नहर और दाएं बाएं 33 कोस की पालें, जिनमें मध्य में फुलबाड़ी और दाएं बाएं रोसों की शोभा होती है। इन नहरों और कुंडों पर छत आई है। कुंडों पर अभी शोभा देखी थी, चारों कोनों पर थंब उठे उनपे मेहराबी छत। इस तरह से कुंडों पर चारों कोनों पे थंब मेहराबे और छत। इन कुंडों ने मेहराबों के द्वारा आपस में मिलान कर लिया है तो इन नहरों पर भी छत हो गई है। तो महाराज शिव जी कह रहे हैं इन नहरों और कुंडों पर छत आई है। उन्हें इन शोभा को देखते हैं, इन पिक्चर के माध्यम से देखते हैं। कुंडों पर शोभा देखे, चार थंब उठे भूंबर ऊंचे, उन पर मेहराब और छत। कुंडों पर यहां छत दिखा रखी है। दो कुंडों के मध्य जो नहर है इनके ऊपर भी छत आ जाती है, ये आपस में एक मिलान हो जाता है। और जो ताल की पाल की तरफ वाले कुंड है, ये कुंड ताल की पाल से मिलान कर लेते हैं तो ताल की पाल से दौड़ते हुए इन छतों पर आ सकते हैं। इन नहरों और कुंडों के ऊपर छत आई है। चार कुंडों के बीच में एक बगीचा आया है और चार बगीचों के बीच में एक कुंड आया है। चार कुंडों के मध्य एक बगीचे की शोभा होती है और चार बगीचों के मध्य एक कुंड की शोभा होती है। हर एक कुंड पर चार मेहराबें आई हैं। कुंड के चारों तरफ नहरों पर मेहराबें आई हैं। एक कुंड के थंब से दूसरे कुंड के थंब पर मेहराबें आई हैं। इसी प्रकार सब कुंडों पर जानना जी। इन कुंड की शोभा देखिए, चारों कोनों पर थंब, उनपे मेहराबे और छत। इसी तरह से दूसरे कुंड पर भी। अब ये जो दो कुंड आमने सामने हैं, इनके थंबों की मेहराबे आपस में मिलान कर लेती हैं तो एक छत हो जाती है। तो इन नहरों के ऊपर भी एक छत हो जाती है। इस तरह से सभी कुंडों की शोभा आई है। इसलिए शोभा आती है कि नहरें और कुंड ऊपर से ढपे हुए आए हैं। हर एक कुंड में चार मेहराबे आई हैं। हर एक बगीचा में भी चार चार मेहराबे आई हैं। इन मेहराबों में झूले लगे हैं। एक कुंड की शोभा देखते हैं, चार मेहराबे चार हिंडोले, एक कुंड पर चार हिंडोले हुए। इसी तरह से एक बगीचा पर भी चार हिंडोले आए हैं, क्योंकि बगीचे की चारों दिशाओं में नहरें आई हैं और नहरें दोनों कुंडों ने आपस में मेहराब करके उनपे एक छत कर दी है। उन मेहराबों में भी हिंडोले आए हैं, तो एक बगीचे की चारों दिशाओं में भी चार हिंडोले आए हैं। सदगुरु महाराज शिव जी के इन प्रदर्शन से शोभा देखते हैं। कुंड पर चार मेहराबे चार हिंडोले, बगीचे की जो चारों दिशाओं में नहरें आई हैं उन नहरों पर इन दोनों कुंडों ने मेहराब करी है तो उन मेहराबों में भी हिंडोले। तो इस तरह से एक बगीचे की चारों दिशाओं में चार हिंडोले आए हैं। इस तरह से हर एक कुंड पर चार मेहराबे आई हैं, हर एक बगीचा पर भी चार चार मेहराबे आई हैं। इन मेहराबों में झूले लगे हैं। नीचे 14,40,00,000 जो हवेलियां थी, हर एक हवेली के चारों तरफ त्रिपोलिया थी, उन त्रिपोलिये की चांदनी पर नहरें आई हैं। नीचे जो हर एक हवेली के कोने पर कुंड आए थे उनकी चांदनी पर कुंड आए हैं। इन सब बगीचों और नहरों पर और कुंडों पर एक ही छत भूंबर ऊंची पाल के मुताबिक बराबर एक ही भूम आई है, पाल से इन चांदनी पर आई है। तले शोभा देखी थी, 12,000 हवेलियों की 12,000 हारी। हवेलियों के सिर पर यहाँ पर बगीचे हुए
हवेलियों के मध्य आड़े खड़े त्रिपोलियों की शोभा थी। उन त्रिपोलियों पर यह नहरें हुई। चार हवेलियों के कोने पर जो कुंड की शोभा हुई थी, उनके सिर पर यह 12,000 की 12,000 काले कुंडों की हुई। इन कुंडों पर, उन नहरों पर जो छत आई है, इन पाल के मुताबिक आई है, अर्थात भूम पर ऊंची आई है। तो इन पाल पर है दौड़ते हुए इन कुंड और नहर की छत पर आ सकते हैं। सब छत भूम पर ऊंची पाल मुताबिक बराबर एक ही भूम आई है, पाल से चांदनी पर आई है। 12,000 कुंडों से जो नहरें चली हैं, सो एक लाइन से 12,000 कुंडों को उलंघकर गुर्जन के कुंडों में नहरें आती हैं। 12,000 कुंडों से जो 12,000 नहरें निकली, ये नहरें 12,000 कुंडों को उलंघकर जो गुर्ज के कुंड आए हैं, गुर्जों की चांदनी पर जो कुंड आए हैं, जिन्हें गुर्जन के कुंड कहते हैं, उनमें जाकर समा रही हैं। नीचे जो 12,000 गोल गुर्ज आए हैं, उनकी चांदनी पर कुंड आए हैं। नहर का पानी आकर इसमें समाता है, फिर आगे चादरें गिरती हैं। माणिक पहाड़ को घेर कर जो 12,000 गुर्ज आए हैं, उनकी चांदनी पर कुंडों की शोभा हुई। नहरों का पानी आकर इन्हीं कुंडों में समा रहा है और आगे चादरें गिरती हैं। इसी प्रकार 12,000 लाइनों में बनक आई है। 12,000 कुंडों से पानी नीचे उतरता है, कुंड की चारों तरफ नहरें चलती हैं। सो पानी नीचे उतरता उतरता नीचे की भूमि में बाहरी तरफ जो गोल गुर्ज आए हैं, उन गोल गुर्जों के सामने भीतरी तरफ जो कुंड आए हैं, उन कुंडन में पानी आता है। बारह हजार कुंडों से 12,000 नहरें निकली, ये नहरें 12,000 कुंडों को उलंघकर गुर्जन के कुंडों में समा रही हैं। और एक शोभा और आई है, इन कुंड से जब नहर चलती है, ये नहर जब पहली हार कुंड में आती है, तो यहां से भूम पर पानी नीचे उतरता है, आगे भी बढ़ता है और दाएं बाएं भी चलता है। अब भूम पर नीचे जो जल आया, वो आगे चलकर अगले कुंड में आता है, वहां से भूम पर नीचे उतर जाता है, दाएं बाएं भी चलता है। ऐसे भूम दर भूम उतरते उतरते 12,000 भूम में जो घेर कर गुर्ज आए हैं, उनके भीतरी तरफ जो कुंड आए हैं, उन कुंडों में जल आ जाता है। नीचे के भूम में गुर्जों के भीतर ये जो कुंड आए हैं, जल उतरता उतरता इन कुंडों में आ जाता है। 12,000 भूम तले जब उतरता है तो इन कुंडों में आ जाता है। इन शोभा को पुनः महाराज जी के शब्दों में, 12,000 कुंडों से पानी भूम पर नीचे उतरता है, कुंड से चारों तरफ नहरें निकलती हैं। सो पानी नीचे उतरता उतरता नीचे की भूम में बाहरी तरफ जो गोल गुर्ज आए हैं, उन गोल गुर्जों के सामने भीतरी तरफ जो कुंड आए हैं, उन कुंडन में पानी आता है। आगे शोभा है, उन कुंडों से पानी गुप्ता गुप्त नहरों द्वारा होकर गुर्जों के नीचे से होकर 400 कोस की रोज के नीचे से होकर भूम पर ऊंचे चबूतरे की पिठोर में 12,000 जाली द्वार आए हैं। उन जाली द्वारों से पानी निकलकर नीचे जो 12,000 कुंड आए हैं, उनमें पानी चादरों द्वारा पड़ता है। अब इन कुंडों से पानी आगे चलता है, गुप्ता गुप्त होकर इन गुर्ज के तले होकर 400 कोस की रोज के तले होकर इन चबूतरे की पिठोर में जाली द्वार है। उन जाली द्वारों से जल निकलता है और भूम पर नीचे चबूतरे को घेर कर जो कुंड आए हैं, उन कुंडों में भूम पर ऊपर से चादरों के द्वारा जल इन कुंडों में आता है। उन जाली द्वारों से पानी निकलकर नीचे जो 12,000 कुंड आए हैं, उनमें पानी चादरों द्वारा पड़ता है। इन पैराग्राफ में महाराज शिवजी ने शोभा दिखलाई, माणिक पहाड़ की भूम पर ऊंची चांदनी पर आते हैं, तो ठीक मध्य में
भूमबर ऊंचे चबूतरे पर 20 भूम 21 चांदी के टापू महल की शोभा, टापू मूल को घेर कर ताल की शोभा, विशाल ताल भूमबर गहरा, इन ताल को घेर कर ताल की पाल, जिन पर दलानों की शोभा हुई है, दाएं बाएं की रोज छोड़कर थंबों की चार हारे जिनमें तीन दहलाने, दाएं बाएं की दहलान की एक भूम रहती है और मध्य की दहलान की दो भूमें होती हैं। इन ताल की पाल की भूम पर ऊंचे चबूतरे से हांस के मध्य भाग से सीढ़ियां उतरी हैं। 12,000 हांसों से मध्य भाग में 12,000 सीढ़ियां, इन ताल के पाल को घेर कर जो 50 कोस चौड़ी रोज फिरी है, बगीचों की जमीन से कमर भर ऊंची उन पर ये सीढ़ियां उतरी है, और दो हांसों की संद में उन संद के सामने इन रोज पर 33 कोस के लंबे चौड़े कुंडों की शोभा हुई है। इन्हीं कुंडों में ताल की पाल से चादरों के द्वारा पानी आ रहा है। इन 12,000 कुंडों से 12,000 नहरें निकली, 33 कोस की चौड़ाई ली, 11 कोस में नहर, 11-11 कोस में पाल, पाल के तीन हिस्से होते हैं, ठीक मध्य में फुलवाड़ी की शोभा, दाएं बाएं नगन जड़ी सुंदर नूरमय रोसों की शोभा। अब ये नहरें आगे चलती हैं, तो जब पहली हार कुंडों पर पहुंचती है तो यहां पर शोभा देखेंगे, इन कुंड के चारों कोनों पर थंब हैं, इन थंबों पे मेहरा और हिंडोले, यहां से नहरें दाएं बाएं भी जा रही हैं और आगे भी जा रही हैं। इस तरह से 12,000 कुंडों को उलंघ के नहरों का जल गुर्जन के कुंडों में जाता है। माणिकपाड़ को घेर कर जो 12,000 गुल गुर्जाए थे उनकी चांदनी पर कुंडों की शोभा हुई है, तो ये नहरों का जल जाके कुंडों में समाता है और आगे धाराएं गिरती हैं। इस तरह से 12,000 की 12,000 हारे कुंडों की आई हैं। एक शोभा और है यहाँ पर सुंदर, इन कुंडों ने आपस में मेहराब से मिलान किया है। इस सुंदर शोभा को समझने का प्रयास करते हैं, इन एक कुंड की शोभा लेवे तो चारों कोनों में थम मेहराबे ऊपर छत भोंबर उचे, इसी तरह से इन कुंड की शोभा हुई। आमने सामने ये कुंड इनकी जो थंब है इन्होंने मेहराब बनाकर इन नहर के ऊपर भी छत कर दी भोंबर ऊंची, सुंदर मेहराबों से ऊपर छत हो गई। इसी तरह से सभी नहरें और कुंड थपे हुए आए हैं, ताल की पाल से इन छत पर दौड़ते हुए आ सकते हैं। चार बगीचों के मध्य एक कुंड की शोभा है और चार कुंडों के मध्य एक बगीचे की शोभा है। चार हिंडोले हुए कुंड में चार ही हिंडोले एक बगीचे में होते हैं, चारों दिशाओं की नहरों में मेहराबों में हिंडोले, और जो कुंड पर हिंडोले आए हैं इनकी सुंदर शोभा, चारों कोनों के थंबों से कुंड का पानी भूमबर ऊपर चढ़ता है और धाराओं के रूप में वापिस इस कुंड में पड़ता है, तो इन हिंडोलों में झूल रहे हैं ऊपर से जल की धाराएं, तो सुंदर शोभा। नीचे जो 12,000 की 12,000 हारे हवेलियों की आई थी उन हवेलियों की छत पर बगीचों की शोभा हुई, और जो त्रिपोलिये आए थे उन पर नहरों की पालों की शोभा हुई, चार हवेली के कोने जहां मिल गए थे वहां पर जो कुंड की शोभा आई थी तले 12,000 की 12,000 हारे कुंड की, ठीक उन्हीं की छत पर चांदनी पर कुंडों की शोभा हुई। अब 12,000 कुंडों से जो 12,000 नहरें निकलती हैं, वो 12,000 इन कुंडों को लंघ कर गुर्जन के कुंडों में समाती हैं, और जब यहां से नहर निकलती है जब पहले कुंड में पहुंचती है तो भूमबर तले भी उतरती है, आगे भी बढ़ती है, दाएं बाएं भी बढ़ती है। इस तरह से चांदनी पर नहर आगे बढ़ती जाती है, तली जो नहर उतरी भूमबर नीचे वो एक हांस आगे जाएगी और एक भूम नीचे उतर जाएगी, ऐसे भूम दर भूम उतरते उतरते तले की भूमिका में इन कुंडों में आ जाता है। जो कुर्जों के ठीक भीतर की तरफ कुंड आए हैं पहली हार 12,000 इन कुंडों में जल आ जाता है। यहां से जल गुप्त रूप से
बाहर की ओर चलता है। 400 कोस की रोज को पार करके चबूतरे की पिठोर में जो जाली द्वार आए हैं, वहां से जल निकलकर घूम भर ऊपर से चबूतरे को घेर कर ये जो कुंड आए हैं, इन कुंडों में जल की धाराएं गिरती हैं। माणिक पहाड़ का जो भूमबर ऊंचा चबूतरा है, वहां से चबूतरे की पिठोर से भूमबर नीचे इन कुंडों में जल की धाराएं गिरती हैं। इस सुंदर नूरमयी शोभा को महाराज शिव जी के वचनों से ताल की पाल का भूमबर ऊंचा जो चबूतरा आया है, इस चबूतरे के भूमबर नीचे जमीन से कमर भर ऊंची 50 कोस की चौड़ी रोस चारों तरफ भूमि है। पाल के चबूतरे से 12,000 हांसों के मध्य भाग से जो भूमबर की सीढ़ियां उतरी हैं, सो इस 50 कोस की रोस पर उतरी हैं। इस रोज की दो हांसों की संद में 33 कोस का लंबा चौड़ा कुंड आया है। बगीचों की जमीन से कमर भर ऊंचा कुंड है। बगीचों की जमीन से कमर भर ऊंची इस कुंड के तीन तरफ 33 कोस की रोज फिरी है। इस प्रकार से हांसों की संद में 12,000 कुंड आए हैं। इन्हीं कुंडों में भूम भर ऊपर से चादरों द्वारा पानी गिरता है। इस कुंड के आगे 33 कोस की चौड़ाई लेकर नहरें निकली हैं, जिनमें 11 कोस की नहर दाएं बाएं 11-11 कोस की पाल आई है। चांदनी की जमीन से कमर भर ऊंची आई है। पाल पर 11 कोस की फुलवाड़ी दाएं बाएं पाल आई है। सो नहर कुंड में जाती है, जहां 12,000 हवेली खत्म हुई वही ये कुंड आए हैं। इसी प्रकार से सब कुंडों में पानी निकलकर नहरों द्वारा होकर अगले कुंड में पानी आता है। उस कुंड पर 4 थंब आए हैं, जिसमें हिंडोले आए हैं। इन कुंडों में नहरें सामने तरफ भी जाती है, दाएं बाएं तरफ भी जाती है, और थंबों में से होकर इस कुंड में पानी भूम भर ऊपर उठकर नीचे जो कुंड आया है उनमें चादरन द्वारा पानी पड़ता है। चांदनी पर सामने जो नहर आई है, सो अगले कुंड में पानी जाता है। दाएं बाएं भी नहर हुई, सामने तरफ भी नहर चली, चारों थंबों द्वारा पानी ऊपर उठकर नीचे कुंडों में पड़ता है। इस प्रकार चांदनी पर 14,40,00,000 कुंड आए हैं। हर कुंड की चारों तरफ नहर चलती है। चांदनी पर सब नहरें 28,80,00,000 होती है। चांदनी के बाहरी किनार पर नहर की चौड़ाई बढ़ते बढ़ते 100 कोस हो गई है। 33 कोस में जल दाएं बाएं 11-11 कोस की रोसों के मध्य 11 कोस की फुलवाड़ी आई है। इन नहरों और कुंडों पर छत आई है। चार कुंडों के बीच में एक बगीचा आया है। चार बगीचों के बीच में कुंड आया है। हर कुंड पर 4 मेहराबें आई हैं। कुंड के चारों तरफ नहरों पर मेहराबें आई हैं। एक कुंड के थंब से दूसरे कुंड के थंब पर मेहराबें आई हैं। इसी प्रकार सब कुंडों पर जाना जी, हर एक कुंड पर 4 मेहराबें आई हैं। हर एक बगीचा पर 4-4 मेहराबे आई हैं। इन मेहराबों में हिंडोले लगे हुए हैं। नीचे 14,40,00,000 जो हवेलियां हैं, हर एक हवेली के चारों तरफ त्रिपोलियां थे। उन त्रिपोलियों की चांदनी पर नहरें आई हैं। नीचे जो हर एक हवेली के कोने पर कुंड आए थे, उनकी चांदनी पर यहाँ कुंड आए हैं। इन सब बगीचों उन नहरों पर तथा कुंडों पर एक ही सब छत भूमबर ऊंची पाल मुताबिक बराबर एक ही भूम की आई है। पाल से इन चांदनी पर आई है। 12,000 कुंडों से जो नहरें निकली हैं, सो एक लाइन से 12,000 कुंडों को उलंघकर गुर्जर के कुडन में आती है। नीचे जो 12,000 गोल बुर्ज आए हैं, उनकी चांदनी पर कुंड आए हैं। नहर का पानी आकर इसमें समाता है, फिर आगे चादरें चलती हैं।
इसी प्रकार 12,000 लाइनों में बना काई है। 12,000 कुंडों से पानी नीचे भूम नीचे उतरता है। कुंड से चार तरफ नहरें चलती हैं। सो पानी नीचे उतरता उतरता नीचे के भूम में बाहरी तरफ जो गोल घुल जाए हैं, उन गोल गुर्जों के सामने भीती तरफ जो कुंड आए हैं, उन कुंडन में पानी आता है। उन कुंडों से पानी नीचे गुप्ता गुप्त नहरों से होता हुआ गुर्जों के नीचे से होते हुए 400 कोस की रोड से नीचे होकर भूम पर ऊंचे चबूतरे की पिठोर में 12,000 जाली द्वार आए हैं। उन जाली द्वारों से पानी निकलकर नीचे जो 12,000 कुंड आए हैं उनमें पानी चादरों द्वारा पड़ता है। प्रणाम सुंदर साहब जी।